तो आज फाइनली काफी समय के बाद हमारे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि है मार्शल की तरफ से और ये है एम्बर्टन 3। एम्बर्टन सीरीज का ये 1 और 2 जो ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, ये थर्ड वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है। थोड़े अपग्रेड्स करें, थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इज इट रियली वर्थ कि आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर का, तो क्या आप इसको चेकआउट करना चाहेंगे? तो करते हैं इसके बारे में बातचीत। तो डब्बे की जो पैकेजिंग है आपको नॉर्मल से देखने को मिलती है, जहाँ ब्रांडिंग कर रखी है, कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं। कंटेंट पैकेज में आपको सबसे पहले आपका स्पीकर मिल जाएगा, इसके बाद आपको मिल जाती है केबल टाइप सी टू टाइप सी वाली, साथ में आपको मिलेगी कुछ मैनुअल्स और कुछ डिटेल्स जो आप देख सकते हैं इसके बारे में, बट उसकी नीड आपको पड़ेगी नहीं। तो सीधे बात करते हैं अपन यहाँ पे स्पीकर को लेकर। तो स्पीकर का जो डिजाइन फैक्टर है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट रखा है, और मार्शल के जिस तरह का वो फील है, जो लुक है, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नोटिस होने वाला है। जो ब्लैक एंड ब्रास कलर का जो यहाँ पर आपको यूज और हिंट देखने को मिलता है, टॉप पे बटन आपको दिख रहा होगा, फ्रंट में जो मार्शल की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको देखने को मिल रही होगी, सब चीजें आपको जो काफी सॉलिड नजर आती है। ये जो रबराइज्ड मटेरियल यहाँ पर उन्होंने यूज कर रखा है, मेटलिक ग्रिल आपको फ्रंट और बैक पे देखने को मिलती है। टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका मेन बटन मिल जाता है, जो सिंगल बटन है, और ये आपका इस तरीके से बटन है जहाँ पे आप इसको डायरेक्शन देंगे तो ये डायरेक्शन में काम करेगा। तो ट्रैक आपको चेंज करना है तो राइट कर दें, लेफ्ट कर दें, एक तरीके से टॉगल बटन टाइप आपको देखने को मिलता है। बीच में आपको यहाँ पर ये है, साइड में आपको दो और बटन देखने को मिलते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, पावर ऑन ऑफ के लिए। साथ में आपको साइड में पूरी बैटरी इंडिकेशन देखने को मिल जाती है, जो आपको बता दें कितना आपका डिवाइस चार्ज है। वहीं राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पावर इनपुट देखने को मिल जाएगा टाइप सी का, इवन आपको स्ट्रिंग हैंग करने के लिए भी आपको ऑप्शन दे रखा है, स्ट्रिंग वगैरह आप लगाना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे। वहीं बॉटम में आपको स्टिकी पैड दे रखे हैं ताकि सरफेस पर रखेंगे तो ये चिपकेगा, गिरेगा नहीं। और यही कुछ इसका डिज़ाइन है, कुछ फील है जो कि मेरे से काफ़ी अच्छा लगा, और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर जो है प्रॉपर आपको देखने को मिलता है। बट जो मेन चीज़ हम लोग मार्शल की जानते हैं वो है साउंड क्वालिटी, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है। ये जो स्पीकर है ये 20 वॉट का आउटपुट आपको बेसिकली जनरेट करके देता है, जहाँ पर 10 वॉट के दो ड्राइवर्स यहाँ पर जो है लगा रखे। इवन इसमें आपको दो पैसिव रेडिएटर देखने को मिल जाते हैं फॉर द बेस, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और 360 सराउंड इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं जनरेट करके ये देता है। ऑल्दो इसमें 238 वॉट का आपको एम्पलीफायर है, जो कहीं ना कहीं इसकी क्लैरिटी को मेंटेन करने के लिए, जो आप रिचनेस जानते हैं मार्शल के साउंड की, वो आपको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर दे रखा है। ऑल्दो स्पीकर में आपको बैटरी परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव देखने को मिलती है, 30 आवर्स प्लस आप यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट टू अगर आपका यूसेज इसमें 50% 60% वॉल्यूम कहीं ना कहीं जो मैटर कर जाती है, तो अगर वहाँ पर है, इवन जो इसमें डिफरेंट मोड्स दे रखे हैं उसमें अगर आप इसमें वेरिएशन लेकर आएंगे तो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं अप डाउन आपको देखने को मिलेगा, पर 30 आवर्स कंपनी का जो है कहीं ना कहीं क्लेम यहाँ पर है। साथ ही साथ डिवाइस आपको IP67 मिल जाता है, यानी कि आप इसको पानी वगैरह में ले जा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा डेप्थ में मत लेके जाना, हल्का फुल्का स्प्लैश वगैरह लग रहे हैं, गिर गया है पानी में तो आप निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। नॉट वाटर प्रूफ बट वाटर रेजिस्टेंट आपको देखने को मिलता है, और नॉमिनल वाटर से कहीं ना कहीं आपका जो डिवाइस है बच जाता है। साथ डिवाइस में आपको जो है ब्लूटूथ काफ़ी लेटेस्ट देखने को मिलता है, कनेक्टिविटी काफ़ी सीमलेस होने वाली है, 10 मीटर की रेंज में आप इसको कहीं भी यूज़ करें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब करते हैं सीधे बात यहाँ पर साउंड क्वालिटी को लेकर। तो इस डिवाइस को ऐसे आप ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको iOS और प्ले स्टोर यानी कि गूगल के प्ले स्टोर पर दोनों पर एप्लीकेशन मिल जाती है, जो कि हम मार्शल का ब्लूटूथ करके नाम है उस ऐप का, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करने के बाद आपको EQ सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती है। अब EQ सेटिंग्स में आपके तीन ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखे हैं, एक मार्शल का सिग्नेचर साउंड है, एक वॉइस दे रखा है, और एक ऑप्शन आपको दे रखा है जहाँ पे बेस और ट्रेबल्स जो हैं वो एनहांस हो जाते हैं और वो म्यूजिक लिसनिंग के लिए काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। वॉइस वाली जो चीज़ यहाँ पर आपको EQ मोड दे रखा है, ये है बेसिकली पॉडकास्ट मूवीज़ वगैरह आप देख रहे हैं या फिर आप कोई न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं तो उसके लिए आपको वॉइस मोड प्रोवाइड कर रखा है। और सिग्नेचर साउंड मोड जो है वो आपका बेस्ट मोड है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है काफ़ी सही सुनाई देती है, यानी कि हर एक चीज़ को बैलेंस कर रखा है, टेबल्स हो, बेस हो, इवन जो मिड टोन्स हैं या फिर हाई लो टोन्स हैं वो काफ़ी प्रॉपर आपको मिलती है। तो यहाँ पे सिग्नेचर साउंड वाला मोड जो परफेक्ट है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ टेस्टिंग सुना देता हूँ कि किस तरीके से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। वेल लाइव एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, बट वीडियो में आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से इसकी साउंड आउटपुट निकल कर आती है। तो मेरे हिसाब से अगर पर्सनली बात करूं साउंड क्वालिटी को लेकर, तो काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी लाउड भी है। 20 वॉट कंपनी जो क्लेम करती है यहाँ पर, वो एग्जैक्ट 20 वॉट आपको देखने को मिलती है। अब यही चीज़ आप जब लोकल ब्रांड में देखते हैं जहाँ पर बड़े बड़े नंबर लिख दिया जाता है कि 40 वॉट का है, 30 वॉट का है, 50 वॉट का है, तो वो एग्जैक्टली नहीं होता है उतना। बट यहाँ पर मार्शल के साथ ये है कि अगर उन्होंने जो मेंशन किया है वो आपको प्रॉपर आउटपुट देखने को मिलता है, एंड ये काफ़ी लाउड है। अगर आप इसको अकेले कमरे में सुन रहे हैं, हॉल में ही बजाएंगे तो ये काफ़ी हेयरेबल है। बेस को लेकर स्पेशली मैं बात करूँ तो बेस जो है यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, यानी कि नॉट द बेस्ट, जो आपको थंप चाहिए, जो आपको फील चाहिए वो नहीं देगा, बट जो एक इफेक्ट होता है म्यूजिक के अंदर बेस का, वो आपको
इसमें काफी अच्छे से सुनाई देता है, काफी अच्छे से फील हो जाता है। बाकी आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे EQ मोड में, आप अपने हिसाब से चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। फर्दर कुछ चीजों को लेके बात करना चाहूँ स्पीकर की, तो यहाँ पर आपको 360 सराउंड इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफी इंप्रेस करा इन द फॉर्म जब मैं मूवीज इस पे एंजॉय कर रहा था, मूवीज के ट्रेलर देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि थिएटर वाली वाइब कहीं ना कहीं आ रही है। अगर आप रूम में अकेले हैं, म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, तो यार ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 10x10 के कमरे में भी आपको जो 3D फील है, 3D इफेक्ट है, वो ये स्पीकर आराम से दे देता है, और वो मुझे काफी इंप्रेस किया। साथ ही साथ इसमें डिवाइस में आपको यहाँ पर बिल्ट माइक्रोफोन भी दे रखा है, तो इनके से अगर कॉल वगैरह आ रहे हैं, आपको रिसीव करने में दिक्कत है अपने फोन पे, तो आप इसी पे जो है रिसीव कर सकते हैं, और क्वालिटी उसकी भी काफी अच्छी मिल जाती है। तो ओवरऑल में अगर इसके अपडेट को लेके बात करूं, तो इसकी परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है, टाइप सी पोर्ट और जो है चार्जिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है। 15W का चार्जर आप इस डिवाइस के यूज कर सकते हैं, इसमें मेंशन कर रखा है, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। प्राइसिंग जो है वो उसकी बात करूं मैं यहां पर, तो ये लगभग 18,000 रुपए का है। 18,000 रुपए की प्राइसिंग पे अगर आप एक ऐसा स्पीकर ढूंढ रहे हैं जो आपको प्रीमियम साउंड क्वालिटी दे और लुक मेंटेन, देखो मार्शल एक नाम से बिकता है, और अगर आप उस नाम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको ये डिवाइस कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो काफी सही रहेगा। वेल आपके ऊपर चॉइस है, खरीदना है कि नहीं खरीदना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग देते हैं, वहां से आप परचेस करेंगे तो हमें भी हेल्प होगी और आपके लिए ईजी भी हो जाएगा इसको परचेस करना। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, और नए हो, पहली बार आए हो चैनल पे ऐसे वीडियोस देखने के लिए, तो सब्सक्राइब वाला बटन आपके लिए दबा के जाना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।